डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है, वाइब्रेशन मेजरमेंट, मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, क्या है ही, गायब थोड़े ही हो गया है, उसी के ऊपर ये एक न्यूमेरिकल है। चूँकि इसका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 41 से लेकर के 42, 44 में फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़े थे, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये सारा का सारा जो है लेक्चर यहाँ से लेकर के, मतलब कि 47, 48, 49, ये तीन तो आपका प्योर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो थोड़ा सा वाइब्रेशन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि कोई भी मशीन है, क्या है ये मशीन है, और ये जो है स्प्रिंग डैम्पर आपका है, और ये जो है आपका क्या है, सपोर्ट है। और ऐसा आप देखते भी हैं, कहाँ देखते हैं, अरे भाई बस में तो बैठे होंगे। अब बस में आप बैठे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ आप बैठे हैं, इसके ऊपर यहाँ स्प्रिंग डैम्पर जो भी लगाना है लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है क्या है, जो है सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब क्या, व्हील चेसिस, और ये व्हील और चेसिस कहाँ पे है, डायरेक्ट रोड के ऊपर है कि नहीं। तो अब रोड भी तो ऊपर नीचे है, ठीक है ना, ये तो स्मूथ तो 100% स्मूथ तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 100% स्मूथ तो रोड है नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सपोर्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। इसकी एम्पलीट्यूड मान लीजिए क्या है, बी है, और ये जो वाइब्रेशन जो होगा, तो अब ये भी वाइब्रेट होगा क्योंकि इसी के साथ अटैच्ड है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्बर लगाए हुए हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, डैम्पर हो, आइसोलेटर हो, जो भी लगाएंगे, इसके चलते यहाँ पे वाइब्रेशन तो होगा। आप बैठते होंगे सीट पे, बस के सीट पे बैठे, तो आप देखिए कि व्हील कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन आप बहुत कम्फर्ट पोजिशन में रहते हैं, मतलब आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए, और ये हो गया बी, ठीक है। और इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताए थे, ठीक है ना, क्या फार्मूला बताए थे, कि ये ए अपन बी का जो है, ए अपन बी का क्या निकालते थे, एम्पलीट्यूड रेशियो ए और बी का, ठीक है ना, ये निकल करके आता था 1 + 2 εr का स्क्वायर अपन, हम समझा देते हैं कहाँ क्या है, और स्क्वायर रूट 1 - r² का होल स्क्वायर +2 εr का स्क्वायर, ठीक है, 2 εr का स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछिएगा सर कि कहाँ क्या है, थोड़ा सा बता दें, तो ये जो एम्पलीट्यूड रेशियो है आपका, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड रेशियो है, ठीक है ना, तो ये εr क्या है, डैम्पिंग रेशियो, C/cc लिखते थे, याद होगा आपको, C/cc, सी क्या है, डैम्पिंग कोफिशियंट, सी क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है, और ये सी क्या होता था, 2 mW, याद होगा आपको, 2 mW, ठीक है, और R जो है क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपन ओमेगा एन, ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकालते थे हम लोग, ठीक है ना, रिलेटिव एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स कि जेड, और ये a - b को ही रिलेटिव एम्पलीट्यूड बोलते थे, a - b को, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, रिलेटिव एम्पलीट्यूड। तो बोलिएगा सर, जेड का भी कुछ फार्मूला होता है क्या, यस, जेड का भी फार्मूला निकालते थे, z/b, और z/b क्या होता है, ये भी हम आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए क्या होता है, r² और यहाँ पर 1 - r² का होल स्क्वायर, सेम यही, और +2 εr का स्क्वायर, ठीक है। और इस फार्मूला से क्या हेल्प मिल जाता है हमको, इस फार्मूला से क्या हेल्प मिलता है, z/b के हेल्प से क्या निकलता है, बेसिकली डायनामिक फोर्स ट्रांसमिटेड निकलता है, फोर्स ट्रांसमिटेड, कितना फोर्स आपने ट्रांसमिट किया,
तो ये निकलता है एफ डी डायनामिक फोर्स, एफ डी इक्वल टू जेड इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया डायनामिक फोर्स, और जेड क्या हो गया रिलेटिव एम्पलीट्यूड ए माइनस बी, जनरली ये दिया हुआ होता है ए माइनस बी, और के स्प्रिंग की स्टिफनेस, सी डैम्पिंग कोफिशियंट, डब्ल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोर्स ट्रांसमिटेड क्या निकलता था, फोर्स ट्रांसमिटेड ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो टी आर, फोर्स ट्रांसमिटेड अपन इम्प्रेस्ड फोर्स, टोटल फोर्स कितना प्रोड्यूस्ड हुआ। ये इम्प्रेस्ड फोर्स एफ कैसे निकलता था, एम ई ओमेगा स्क्वायर, ई क्या होता था इसेंट्रिसिटी, एम क्या हो गया मास, ओमेगा क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कैसे निकलता था, 2πn/60। ठीक है, ओमेगा कैसे निकलेगा 2πn/60, मतलब कि आरपीएम दिया हुआ हो तो डब्ल्यू आप निकाल सकते हैं ओमेगा। तो ये टी आर का ही एक और फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए टी आर का ही एक और फार्मूला होता है (1/r²-1)। ये भी एक टी आर का फार्मूला होता है। ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, और ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का ये भी फार्मूला है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज निकल रहा है, लेकिन जो है फार्मूला अलग अलग है, तो अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको एक तरह से समझिए, तो फार्मूला जो है ये हमने आपको पूरा बता दिया, फार्मूला फॉर सपोर्ट मोशन। ठीक है ना, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसी के बेस्ड जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है। बोलिएगा सर आपने तो 5 मिनट इसी में लगा दिया, तो बिल्कुल लगा दिया, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समझ बड़ी होनी चाहिए। समझ बड़ी होगी ज़िंदगी की हर समस्या आपको छोटी दिखाई देगी, समझ छोटी होगी समझदारी नहीं होगी तो छोटी सी समस्या में भी जो है आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन ये है कि ए सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, अब सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, सिस्मोलॉजी में, सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप मेजर करने में, भूकंप आता है आप अर्थक्वेक आता है, नाम सुने होंगे अर्थक्वेक का, कभी हिले डुले होंगे, तो यही सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट का काम है। विथ ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज, अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन दिया हुआ है 6 हर्ट्ज। ठीक है, दिया हुआ है 6 हर्ट्ज, इसको आप जो है रेडियन पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 × 2π कर देंगे तो रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इज यूज टू मेजर द वाइब्रेशन ऑफ ए मशीन ऑपरेटिंग एट 120 rpm, मतलब n यदि आपका दिया हुआ है कितना 120 rpm, तो ओमेगा निकल जाएगा 2πn अपन क्या होता है 60, 2πn मतलब कितना 120/60। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 point something हो जाएगा, 12.56 रेडियन पर सेकेंड निकल गया W का वैल्यू, निकल गया कि नहीं। उसके बाद क्या दे रहा है, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्मिक मास एज रीड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि Z की वैल्यू दिया हुआ है 0.05 mm, जो आपको अभी हम बता रहे थे ये जेड, ये वही है। ठीक है, उसके बाद ये 0.05 mm दे दिया, अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मशीन, मतलब क्या ए आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ए आपको निकालना है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मशीन, नेगलेक्ट द डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग। तो अब ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा जेड दिया हुआ है, तो जेड का ए के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है, बी के साथ रिलेशन है। ये आप थोड़ा सा समझदारी के साथ चलिएगा कि बी हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जेड बाई बी का फॉर्मूला थोड़ा सा देखिए, तो यही आपके सामने है, यही है ना, आर स्क्वायर अपन, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर,
आर स्क्वायर अपन क्या है, वन माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। ये देखिए आपके सामने यही है ना, जेड बाई बी, जेड दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि नेगलेक्ट द डैम्पिंग, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर अपन वन माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये तो इग्नोर हो गया। तो आर का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा अपन ओमेगा एन, तो आर यहाँ पर हम निकालने क्या, ओमेगा कितना है 12.56 अपन ये 6 इंटू 2 पाई, ये आर का वैल्यू, यहाँ से आप आर निकालेंगे तो ये 0.033 आएगा, ठीक है, 0.33 आ गया। और 0.33 का वैल्यू यहाँ रख दें तो ये जेड, जेड का वैल्यू दिया है 0.05 अपन क्या बी दिया है कि नहीं, और यहाँ पर आर स्क्वायर, आर मतलब कि 0.33 का स्क्वायर अपन वन माइनस 0.33 का स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल जाएगा बी, यहाँ से बी कितना निकल करके आ रहा है, आप सॉल्व कर दीजिए तो यू विल गेट हियर 0.409 mm, 0.409 mm, ठीक है ना, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो आई होप सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल दोज। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके सही सही रहने चाहिए, सॉरी फार्मूले, फार्मूला आपका, फार्मूला में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपका बिल्कुल क्लियर होगा तो सब कुछ सही बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड। इससे क्या होता है कि एक मेरा भी मनोबल थोड़ा होता है कि नहीं बच्चे जो है देख रहे हैं और उनकी ज़रूरत की चीज़ मैं दे पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।